किश्तवाड़ क्राउन और मैं हूं आपका होस्ट तौसीफ क्राइपा। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जब से म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ की जो बागडोर संभाली है उस दिन से लेकर आप देख रहे हैं कि जो शहर खास हमारा किश्तवाड़ है उसमें चर्चे, किश्तवाड़ शहर खास जो है वो चर्चे में। बात आज करते हैं, आज डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है शहर खास का दौरा किया और कहीं रेडियो को जो है सीज किया गया और उनसे जो माल जो उन पर लगा हुआ था उनको जो है रेड क्रॉस सोसाइटी किश्तवाड़ को सौंप दिया गया। मेरे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सिटी प्रेसिडेंट हैं इनसे बात करना चाहूँगा और ये जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ का शहर खास का दौरा था इस पर बात करना चाहूँगा। नसीर साहब, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब से डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने म्युनिसिपल कमेटी किश्तवाड़ की भागदौड़ संभाली है उस दिन से आपने देखा होगा आए रोज कोई ना कोई एक्शन हमारे म्युनिसिपलिटी के अहाते के अंदर जो है देखने को मिलता है, क्या कुछ बताएंगे और किस नज़रिए से आप इस सब टीम को देखते हैं? जिस दिन से म्युनिसिपल कौंसिल किश्तवाड़ के जो वार्ड मेम्बरान थे और प्रेजिडेंट था उनका टर्न ओवर ख़त्म हो चुका है और शुरू डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी से हुआ है जी। जब उनने यहाँ म्युनिसिपल कौंसिल किश्तवाड़ की बागडोर संभाली जी, कुछ चीज़ों में तब्दीली आई और कुछ चीज़ों में जो यहाँ का बेरोजगार नौजवान है जी, जिस तरीके से आज उन्होंने फिर एक बार राउंड किया और पिछले कुछ दिनों से जारी वो राउंड है, मगर जहाँ तक यहाँ के बेरोजगार नौजवानों का सवाल है, जो बेरोजगार नौजवान है वो अपना रोजगार रेडियो से कमाते थे, अपना घर चलाते थे। बड़ी बेरोजगारी है, आपने खुद देखा कि किश्तवाड़ का जो शहर, खासकर शहर किश्तवाड़ है, इसमें जो कुछ लोकल गरीब लोग हैं वो रेडियो लगाते हैं और रोज़गार कमाते हैं, मगर सीधे ही इन्होंने कहीं आज की डेट में बड़े लोगों की रेड़ियां जो सीज़ की और जो रेड़ियां किसी की मिल्कियत पे है, ज़मीन पे है, बिना इंक्वायरी के उनको सीज़ किया गया, किसी को कहा गया कि आप इलीगल तरीके से हो, मगर अगर देखा जाए वो लोग कहीं ना कहीं अपनी लोगों की ज़मीनों पे जो मिल्कियत लोगों की है उस पे है। मैं चाहूँगा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को चाहिए कि वो पहले इसकी इंक्वायरी करें कि वो ज़मीनें किन की हो और कौन लोग हैं उसमें, क्योंकि जो यहाँ का बेरोज़गार नौजवान है वो पहले से ही यहाँ मायूस है बेरोज़गारी से, जो उन्हें एक उम्मीद थी कि यहाँ जो प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनको रोज़गार मिलेगा, मगर अगर देखा जाए तो उन्हें बिल्कुल उसमें नज़रअंदाज किया गया और अब वो जो अपने रोजी रोटी कमा रहे थे और अपने बाल बच्चों को पाल रहे थे इन्हीं रेडियो की वजह से पाल रहे थे, मगर अगर देखा जाए तो आज की डेट में कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी भी बड़े लोगों के साथ हो रही है, ये नहीं होना चाहिए। नसीर साहब, बीच में आना चाहूँगा कि म्युनिसिपलिटी ने जो है जितने भी रेडियो चलाने वाले लोग हैं उनको जो है एक जगह जो हड़ापान किश्तवाड़ का आता है वहाँ पर जो है वो ज़मीन दिए गए कि आप जितने भी रेडी वाले किश्तवाड़ के अंदर काम कर रहे हैं वो वहाँ पर लगाएं, मगर आए रोज़ हम देखते हैं कि वो वहाँ लगाने के बजाय वो बस स्टैंड में लगाते हैं, जो मतलब जहाँ पर उनको कतई मना किया गया वहाँ पर लगाने के लिए वो वहीं पर लगाते हैं, उस पर आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वहाँ भी जो रेडी वाले थे वहाँ उन्होंने लगाया, जो इस वक्त बस स्टैंड में वो अपनी मिल्कियत पे जी, मेजॉरिटी में अपनी मिल्कियत पे, और कुछ लोग जो लगाए हुए हैं वो लगाए हुए हैं जी, ऐसी बात नहीं है, जो अपनी आज की डेट में उनने सीज की दुकानें मेजॉरिटी में मैक्सिमम वो अपनी ज़मीनों पे हैं, बेशक उनने खोखे टाइप बनाए हुए हैं अपनी ज़मीनों पे बनाए हैं, और जो इन्होंने हड़प्पा ने बनाए हम उसका भी खैर मकदम करते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा काम है, मगर उस काम को इस अंदाज से नहीं लिया जाना चाहिए कि किसी की शिकायत पे किसी की मिल्कियत को सीज किया जाए, किसी की शिकायत पे किसी कन्फर्म करना चाहिए, कंसर्न डिपार्टमेंट को उनको सही इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ताकि जो यहाँ का बेरोजगार है वो बेरोजगारी का शिकार ना हो, कहीं मुश्किलात का। म्युनिसिपल कमेटी ने बहुत सारे नौजवानों को जो है कुछ लोन भी दिया है 50,000 के करीब, उसके बाद उनको परमिशन भी दी गई कि आपकी रेड़ी लगा सकते हैं, इस वक्त वो भी बड़े परेशान हैं। यही बात मैं डिप्टी कमिश्नर की नॉलेज में लाना चाहता हूँ, जब आप लोन उनको म्युनिसिपल कौंसिल की डिपार्टमेंट और चिट्ठी पे देते हैं और लोन जो है वो बाद में किस्तों में तब्दील होता है बैंकों तक इंटरेस्ट पे, उनको किस्तें देनी होती है, दूसरी तरफ आप उनकी रेड़ी हटा रहे हैं, उधर से आप लोन दे रहे हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनको उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मगर जब रेड़ी लगाने की बारी आती है तो वो उनको आप हटा देते हैं। हमारी गुजारिश होगी डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ इस बात की इंक्वायरी करें कि कौन किसकी ज़मीन पे है और कौन किसको लोन दिया गया है, वो लोन कैसे चुकता करेगा, क्योंकि आज की डेट में नौजवान को लग रहा है कि हमारे साथ नाइंसाफी हो। नसीर साहब, एक और सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि म्युनिसिपलिटी की बात उठी है और म्युनिसिपलिटी के अंदर आप देख रहे हैं कि किश्तवाड़ क्राउन न्यूज़ नेटवर्क पर आप भी मुझे लगता है आप देखते होंगे कि एक बहुत बड़ा इशू जो है किश्तवाड़ के अंदर, जो सोलर लाइट्स शहर के अंदर जो लगानी थी, कुछ जगहों पर तो लगाई गई मगर कुछ जगहें ऐसी हैं जिनको अभी तक नहीं लगाया गया है कि सोलर लाइट वहां पर नहीं लगाई गई, उस पर आप क्या कहेंगे? आज की डेट में आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं वार्डों में आज की डेट में लाइटें लग रही हैं जी, मगर बड़ी जो जगहें हैं, जो अंदर जगहें हैं, उनमें नहीं लगाई गई जी। मुझे लग रहा है कि मेरे ख्याल से डीसी साहब की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि ग्राउंड लेवल पे जाए, जो म्युनिसिपल कमेटी के अंदरूनी इलाके हैं उनमें अभी तक कंप्लीट लाइटें लगी, मेरी गुजारिश होगी डिप्टी कमिश्नर से कि उनकी तरफ नजर दौड़ाई जाए और वो लाइटों को फौरी तौर पे
ठीक किया जाए, लगाया जाए, ताकि जो लोग हैं जो बाहर से दिखता है वो अंदर से भी दिखे और दोनों चीज़ें जो है ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे सिटी प्रेसिडेंट जो यहाँ पर मेरे साथ बात कर रहे थे। एक सवाल आपसे रह गया जो मुझे भूल गया आपसे पूछना, एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। जो यहाँ पर जो PMAY के तहत जो स्कीम जो है जो प्रधानमंत्री जी ने चलाई है, मकान लोगों को दिए जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल देखने आज जो हमारे सूत्रों के हवाले से, जो सोर्स के हवाले से जो बताया, जो हमारे खबरें वहाँ से मौसूल होती हैं, एक बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है PMAY स्कीम्स को लेकर, उस पर आप क्या कुछ बताएंगे? देखिए मुझे मेरी नॉलेज में स्कैंडल का कोई मामला नहीं है जी, मगर जो मेरी नॉलेज में है, मैं जो आज देख रहा हूँ, रात को ही कहीं किसी के घर में जब बर्फबारी हो रही थी तो एक मजदूर इंसान जो है जो वार्ड नंबर 11 के मुकाम पे रहता है जी, जो बेचारा इस वक्त मुश्किलात में है, कुछ NGOs और कुछ पॉलिटिकल हमारी जमात से भी बड़े लीडरों ने आज तय किया कि हम उनके घर जाएंगे और NGO जो काम अपना कर रही है वो कर रही है, मगर जब देखा जाए PMAY के जो मकान की स्कीमें किश्तवाड़ में थी वो अभी तक उनके घरों तक नहीं पहुंची, किसी को एक किस्त डाली गई, किसी को नहीं डाली गई है। मैं चाहूंगा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है इस वक्त इसमें इस मामले में इंटरफेयर करे और उनसे ये पूछे कि आप क्यों उन स्कीम को लागू क्यों नहीं लगा रहे हैं, जिनको आपने आधी स्कीमें दी, आधा पैसा दिया है बाद में नहीं दिया है, क्या वजह है, क्या वजूहत है उसके पीछे, और इस चीज़ की जानकारी हो। और आज की डेट में जो मौसम ख़राब है, कुछ लोगों के घरों का टीन है, कुछ लोगों ने मकान आधे तामीर किए हैं, आधी किस्तों से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहूँगा कि जिनको ये स्कीम के लिए जिनको ऑर्डर किया गया है वो लोग अपने मकान को तामीर करने की कोशिश करें पाए तक मिल तक पहुँचाने की कोशिश करें, वो भी इस वक्त मुश्किल का सामना करें। मेरी गुजारिश होगी डिप्टी कमिश्नर से इस मामले में इंटरफेयर करें और इन लोगों के जिन लोगों के पैसे आधे दिए हुए हैं आधे नहीं दिए हुए, जिनके देने उन्हें फौरी तौर पे दे, और हमारी जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस डिप्टी कमिश्नर के उस हर एक चीज़ की तायद करती है जो किश्तवाड़ की आवाम के लिए होगी, और उस चीज़ की मुखालफत करती होगी जो आवाम मुखालिफ होगी, और आवाम मुखालिफ अगर ये चीज़ें जारी रही, अगर PMAY में पैसे नहीं लोगों को डाले गए, यहाँ रेडी वालों सुनाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस किश्तवाड़ एहतजाज करेगी इसके खिलाफ आने वाले दिनों में, हम चाहेंगे कि वो इस चीज़ को फौरी तौर पर ठीक करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे सिटी प्रेसिडेंट नसीर अहमद बागवान मेरे साथ बात कर रहे थे। तीन मुद्दों को लेकर उन्हें बहुत अच्छी बात कही कि किश्तवाड़ के अंदर आज जो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ ने जो है यहाँ पर जो शहर खास के अंदर जो यहाँ दौरा किया और कई रेडियो को जो है सीज किया गया, उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ को पहले कंफर्म करना चाहिए था कि जो डिप्टी कमिश्नर ने जो दौरा किया कि उन लोगों की जो रेडियाँ थी वो अपनी मिल्कियत में थी, उन लोगों का भी सामान जब्त किया गया है। तो डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ से इन लोगों ने अपील की है कि वो पहले इन सब चीज़ों को देखें, उसके बाद जो है एक्शन करें। उसके बाद साथ ही साथ में उन्होंने यहाँ स्ट्रीट लाइट्स की बात की, जो सोलर लाइट्स है उस पर बात की। उसके बाद जो यहाँ PMAY स्कीम के तहत जो मकान दिए गए, उनका कहना है कि बहुत सारे लोगों को तो दिए गए हैं मगर अभी तक उनकी जो पूरी जो पेमेंट है वो अभी तक उनको वागुजार नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जल्द अज जल्द उन लोगों की पेमेंट जो है वो वागुजार किया जाए, नहीं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसको लेकर जो है सड़कों पर आकर एहतजाज करेगी। फिलहाल अभी के इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।